भिन में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक असित यादव के नेतृत्व में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इसी दौरान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान संपन्न होने के बाद मतदान कर्मी पोलिंग बूथ से सामग्री लेकर जमा करने के लिए रवाना हुए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस बार लोकसभा चुनाव में जागरूकता के चलते मतदान प्रतिशत अच्छा होने की उम्मीद जताई है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने बताया कि भिंड में तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव एक या दो छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पूरे दिन जो भिंड जिले में जो मतदान है पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रहा है। एक दो जगह कुछ जगह विवाद की स्थिति बनी है, तो वहाँ पे जो पुलिस का रिस्पॉन्स तुरंत रहा और जो भी विवाद था उसको कंट्रोल किया हमने। अलग अलग पॉलिटिशियंस के द्वारा भी हम लोगों को फ़ोन आ रहे थे और आयोग से भी फ़ोन आ रहे थे, जहाँ जहाँ पे गड़बड़ी की सूचना थी तो तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहे थे, फोटोज़ मंगवा रहे थे, चेक कर रहे थे। और ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि सुबह से जो मतदान है प्रक्रिया पूरी शांतिपूर्वक रही है। भिंड में आज तीसरे चरण का जो मतदान हुआ वो सुबह 7 बजे प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक लगभग सभी जगह पर समाप्त हो गया है। कुछ एक स्थानों पर 6 बजे के बाद भी लाइन है, वो भी थोड़ी देर में पूरी हो जाएंगी। और मामूली घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा है। और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 48% से अधिक मतदान की जानकारी हमें 5 बजे मिल चुकी थी, और 5 से 6 के बीच का मतदान जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव से बेहतर होगा। और इसमें सभी का जो सहयोग रहा शांतिपूर्ण मतदान के लिए, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और भिंड की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मतदान के इस महापर्व में भाग लेकर अपना योगदान इस यज्ञ में आहुति दी है, अपना योगदान दिया है।